तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कल का होमवर्क सबका हो गया है ना? हो गया सबका होमवर्क? ये कल आप सबका क्या था? होमवर्क था। तो आप सबका होमवर्क हो गया सबका? देखिए, आप तक होमवर्क अगर हो गया हो तो फिर मैं आप सबको आज पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, होमवर्क हो गया ना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 में दिया है कि यहाँ पे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए हैं और इन बॉक्सेस को क्या करना है? फिल करना है। कैसे फिल करना है? चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 5 न्यूमरल। यानी कि ये आप लोग को पहले देखना है इन दोनों नंबर्स को देख करके, फिर इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? 5 न्यूमरल को इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखना है और यहाँ पे 5 न्यूमरल को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 750 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 750। और 50 के बाद सीधा क्या दे दिया? 752। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया था? 50 दिया हुआ है। क्या दिया है? 50 दिया है, 750। और फिर लास्ट में दे दिया है 752। और फिर इसके आगे क्या करना है? पूरा फिल दिया हुआ, ब्लैंक पूरा ब्लैंक दिया है, उसको क्या करना है? फिल करना है। देखिए 50 के बाद क्या आया है? सीधा 52 आया है। क्या आया है? 52। यानी कि प्लस 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है ना। तो 50 में अगर मैं प्लस 2 कर दिया तो कितना हो गया? 52 हो गया। हो गया ना। तो इसके आगे अब 50 में हम लोग क्या करेंगे? 52 में भी क्या करेंगे? 2 को प्लस करेंगे। तो 52 में अगर मैं प्लस करूंगा 2 को तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 754 हो जाएगा। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे। अभी देखो 2 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, तो 2 को इसमें फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 756 हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ेंगे फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 758 हो जाएगा। फिर इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 760 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 760 हो गया। और यहाँ पे 762। देखिए सब में क्या है? 2 2 का इसमें डिफरेंट है। कितना है? 2 2 का इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। इसी प्रकार यहाँ अगर हम सेकंड वाले में चलेंगे तो 680 है। कितना है? 680। और यहाँ पे फिर 683 आ गया। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट है? कितना ऐड हुआ है? प्लस 3 ऐड हुआ है। तो फिर आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करने पर कितना आएगा? 686 हो गया। फिर इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 689 हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 692 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 695 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 698 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 2 का कॉम्बिनेशन था और यहाँ पे क्या है? 3 3 का कॉम्बिनेशन है। इसके आगे 4 4 का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए प्लस 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? प्लस 2 है। यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को आगे तक करना है। कहां तक करना है? आगे तक। अब यहां देखिए क्या है? 6 है। कितना है? प्लस 6 हो गया। ठीक है, इस वाले लाइन में क्या हो गया? प्लस 6 हो गया कि नहीं हो गया? इस वाले लाइन में प्लस 6 हो गया। जैसे यहाँ पे 372 है। कितना है? 372। अब इसमें अगर मैं प्लस 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 378। कितना हो जाएगा? 378। फिर इसमें हम 6 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 384। यही होगा। फिर इसमें हम अगर 6 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगर मैं इसमें 6 को प्लस कर रहा हूं तो कितना होगा? 396 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां पे 396 आ गया। अब 300 देखिए 396 को अगर मैं इसमें प्लस 6 कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे 396 में अगर मैं प्लस 6 कर रहा हूं तो क्या होगा? तो 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। कैसे होता है? काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने यहाँ पे खींचा, फिर इसके बाद 6 है तो 6 लाइन फिर खींच रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इन सबको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया। अब 12 का जो 1 होता है वो हम लिखते हैं और जो 10 नंबर पे होता है उसे हम क्या करते हैं? कैरी करते हैं। क्या करते हैं? कैरी। तो यहाँ पे प्लस 1 हो गया। ठीक है,
9 और 1 कितना होता है 10 होता है, और 10 देखिए 10 का हम 0 लिखते हैं और 1 क्या होता है यहाँ पे कैरी हो जाता है, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 402 आ गया, कितना आ गया 402। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 402 लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा 6 को हम लोग प्लस करेंगे, क्या करेंगे 6 को प्लस करेंगे तो 408 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप सबको बात समझ में आई कैसे हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके आगे आप सब यहां तक करेंगे, कहां तक, पूरा नीचे तक जो दिया हुआ है 740 दिया हुआ है और 748 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है प्लस 8 हुआ है, कितना हुआ है प्लस 8। तो अगर मैं 748 में देखिए 748 में 8 को अगर प्लस कर रहा हूं तो कितना होगा, देखिए 748 में 8 को प्लस कर रहा हूं तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 7, कितना आ गया 756। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा। फिर इसमें मैं अगर 8 को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 700, ठीक है, कितना हो जाएगा 764 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 760।